आजि होची बिहारी संप्रदायकर छठ पूजा जो छठ पूजार बहुत मान्यता रही बहुत निष्ठार सह ए पूजा को करा जाय थाए तबे राउरकेला को मिनी इंडिया आख्या दे जाय छी। राउरकेला शहर रे देशर तमाम प्रांतर तमाम राज्यर लोक बसवास करंती तेणु जेहेतु सरकार को गाइडलाइन रहिला तथापि लोकंकर निजर भक्ति निजर श्रद्धा को नहीं माता छठीकर पूजा करबा पे आछंती। आमे टिके प्रतिक्रिया मध्ये नबा देखंतु तमाम जो परिवार रहिछंती समस्त आछंती जो कहा जाय चार दिन धरि की छठ पूजा करा जाय थाए आजि होची तृतीय दिन एवं आसंता काली जेले सूर्य उदय हेबे तांको अर्घ्य दे जाय की छठ पूजा को समापन करा जाय प्रतिक्रिया के नवा जे आप जब पूजा करते हैं मन में श्रद्धा भाव रहता है मानता है कि जो भी आप मांगेंगे छठी माता से पूरा होता है। ये सही बात है और हम लोग ओडिया होके भी ये बिहारी का छठ पूजा हम लोग बहुत मानते हैं इसीलिए इस बार ये पहला साल है जो हम लोग छठ किए हैं। यदि आप ओडिया तबे ओडिया घरे बहुत पूजा पर्वाणी थाए किंतु छठ पूजा आप कहीं के अपने लिए सेटा भी हमें करू वेटा भी करू ये छठ पूजा टा मेन वेटा हम प्रथम थर करू छी आफ्टर माने मैरिज मोर एटा फर्स्ट टाइम हो एटा करली चार दिन उपवास करिबा को पड़े बहुत निष्ठार सह करिया को पड़े आपन के कष्ट लागू छी ना जेतु माता को पूजा किसी लागू नहीं ना ना किसी लागू नहीं सब हो जाउ छी चार दिन पूरा कटी गला भल से आपन के आप कैसे पूजा करें कि अभी लगता है आप पहली बार पूजा पहली बार हां पहली बार है जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे पूजा हो रहा है पूरा अभी तक ठीक से चल गया कल और एक दिन होगा कल भी अच्छा से हो जाएगा बस छठी मैया का दया है चल रहा है पूरा अच्छा से। माता से क्या मानता कि क्या मांगे मन में है ना वो क्यों बोला जाएगा वो मन में है छठी मैया सुन ली सब पूरा हो जाएगा। छठ पूजा में अगर छठ पूजा में देखेंगे ठेकुआ बहुत सारा पकवान भी बनता है क्या क्या बनता है पकवान में ठेकुआ बनता है और एक चावल का कचौनिया बोलते हैं वो बनता है और सब तरह का फल रहता है और ये बहुत आस्था का पर्व है मन्नत पूरा होने वाला पर्व है और लोग इसको अच्छे से करें और अच्छे से निभाएं आगे भी सब कोई करता रहे हमारी नई पीढ़ी भी करते रहे बहुत अच्छा पर्व है मन्नत पूरा होता है जो आप मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा ऐसा हमारी आस्था है। अगर देखें चार दिन का पूजा में पहला दिन शायद खरना होता है नहाए खाए होता है उसके बाद खरना क्या क्या रहता है पूजा विधि पहला दिन होता है जो हम लोग उसको नहा खा बोलते हैं नहा खाए के दिन हम लोग लौकी का सब्जी चना दाल अरवा चावल के भात खाते हैं और बिना लहसुन प्याज बिना सरसों तेल घी में बनाते हैं और वही खाते हैं। उसके बाद दूसरा दिन हम लोग खरना करते हैं उसके बाद खरना करने दिन भर फास्टिंग रखते हैं शाम को टाइम में हम लोग खीर बनाते हैं और रोटी बनाते हैं और वही रात को खाते हैं फिर सूरज चांद भगवान को गोड़ लगते हैं वो दूसरा दिन का है। हाँ और तीसरा दिन होता है जो हम लोग बहुत लगन से फल सब सजाते हैं ठेकुआ बनाते हैं और ये आपका कचौनिया बनाते हैं चावल का और सब बना के सब सूप में सजा के हम लोग अच्छा से लेके आते हैं तो ये शाम का टाइम में होता है। प्रकृति का पर्व है छठ पूजा ये सब कुछ प्रकृति से जो हमें मिलता है सब कुछ ये छठ पूजा में चाहिए क्योंकि छठ भगवान जो है हम लोग कोई भगवान को देखे नहीं है लेकिन एक प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से इसीलिए मान्यता है कि इनको आप श्रद्धा से जो भी पूजा करेंगे आपका मनोकामना पूर्ण होता है इसीलिए सारे भारतवर्ष में क्या सबको ओडिया हो या नानोड सबको ही मानते हैं। निश्चित रूप से आप प्रतिज्ञा शुणुले जेहेतु छठ पूजार आज हूँ तृतीय दिन और आसंता काली सका जो सूर्य उदय हे अर्घ्य दिजो और छठ पूजा जो चार दिन धरी जो निष्ठा और भक्तिर श्रद्धार सह जो छठ पूजा कराता पूरा होता है विश्वास रही छठी माता को जहाँ भी कामना करा होता है तेज जेहेतु प्रशासन कड़ा पहरा रही पुलिस प्रशासन कड़ा पहरा रही तेज भी जो लोक भक्ति श्रद्धा थी ताक नहीं ताक पाछय कर लोक मैंने पूजा करते कि लोक घरे पूजा कर राउरकेलू कृपा प्रसन्न गणेश साहू पवन तिवारी ओटीवी।